जान को तिहाड़ जेल में खतरा बताया गया है। कोर्ट ने आफताब को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है, जिसके बाद आफताब दिल्ली के हाई सिक्योरिटी तिहाड़ जेल में जो है वो रखा गया है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, आफताब पर हमले की आशंका को देखते हुए तिहाड़ जेल प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आफताब को बाकी कैदियों से अलग जेल में रखा जा सकता है। सीसीटीवी कैमरे से आफताब की निगरानी भी रखी जा सकती है। बताया जा रहा है कि कैदियों में भी गुस्सा हो सकता है। जिस तरीके से आफताब की खबर जिसने भी सुनी उसका खून खौल उठा, और हमने देखा था किस तरीके से वकीलों में गुस्सा था, जिस वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आफताब की कोर्ट में पेशी कराई गई थी। अब जब उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है तो कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि उसकी जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए बाकी कैदियों से आफताब को जो है वो अलग सेल में रखा जाएगा। साथ ही साथ सीसीटीवी से उस पर निगरानी भी 24 घंटे रखी जाएगी कि उसकी एक्टिविटी क्या है। अभी तक आफताब ने पुलिस के पूछताछ में जो कुछ भी बातें बताई थी उसमें बहुत सारी बातें सही थी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जिससे लग रहा था कि आफताब पुलिस को मिसलीड कर रहा है। श्रद्धा का कातिल आफताब अगले 14 दिन तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे रहने वाला है, मगर इससे पहले आफताब ने दिल्ली पुलिस से ऐसी डिमांड की जिसे सुनकर दिमाग चकरा जाए। आफताब ने रिमांड के दौरान खाने के लिए मटन और पीने के लिए सिगरेट मांगी। जी हां, ऐसा एक बार नहीं हुआ बल्कि कई बार सिगरेट और मटन की डिमांड के लिए सवाल जो है वो किया गया। श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े करने वाले आफताब का क्या ये प्रोवाइड जो है वो कराया जा सकता है? हम आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा कि आफताब के डिमांड क्या है और किस तरीके से क्या उसकी ये डिमांड पूरी होगी भी या नहीं। आफताब ने पूछताछ में क्या बताया, श्रद्धा का सिर कहां छिपाया और पैर कहां फेंके, आफताब ने कितनी गर्लफ्रेंड के नाम बताए, साजिश की प्लानिंग कैसे की और कैसे सबूत मिटाए, ये वो सवाल है जिनका जवाब हर एक हिंदुस्तानी जानना चाह रहा है। ये देश की सबसे बड़ी ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जिसमें सबको सब कुछ पता है। कातिल कौन है, कत्ल कैसे किया, क्यों किया, कब किया, पुलिस भी बता रही है, एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं, सारी थ्योरी कह रही है कि आफताब ने श्रद्धा को मारा है, मगर कोई सबूत नहीं है। सारी जांच एक ही जगह पर जाकर टिकती है और वो है आफताब, जिसके दिमाग में चल रही है सिगरेट। पुलिस की रिमांड के दौरान आफताब कभी कभी बेचैन नजर आ रहा है। पुलिस सूत्रों की माने तो उसकी बेचैनी का कारण सिगरेट है। आफताब एक दिन में 20 से ज्यादा सिगरेट पिया करता था, लेकिन पुलिस रिमांड के दौरान उसको एक भी सिगरेट नहीं मिल रही है। यही कारण है कि वो काफी बेचैन नजर आ रहा है। पुलिस सूत्रों की माने तो श्रद्धा के ऊपर आफताब अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया करता था, उसमें से एक सिगरेट का टॉर्चर भी था और सिगरेट से वो श्रद्धा को दागा करता था, ऐसा पुलिस की जांच में निकल के सामने आया है। इस दहला देने वाले मर्डर में कातिल को नींद नहीं आएगी, उसे भूख नहीं लगेगी, वो परेशान होगा, मगर आफताब को इन बातों का फर्क नहीं पड़ा। उसे भूख भी लगी और खाना भी मांगा। वो जब तक पुलिस रिमांड में रहा नॉनवेज की डिमांड करता रहा। इसके अलावा आफताब ने वेस्टर्न फूड भी खाने के लिए मांगे। पुलिस की रिमांड के दौरान आफताब अलग अलग खाने की डिमांड कर रहा है। पुलिस की माने तो वो वेस्टर्न फूड और नॉनवेज का काफी शौकीन है और लगातार वो इस खाने की मांग कर रहा है, लेकिन पुलिस की रिमांड में उसको शुद्ध शाकाहारी भोजन दिया जा रहा है। यही कारण है जब पॉलीग्राफ टीम के आगे आफताब पहुंचा तो उस एक्सपर्ट टीम के सामने भी उसने सिगरेट की मांग की और अपने मन पसंदा खाने की मांग की, लेकिन उसको वहां पे भी उसकी मांग पूरी नहीं की। और यही कारण है कि रिमांड के दौरान या पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफताब कई बार एग्रेसिव हो जाता है और कई बार बेचैन नजर आता है। आफताब ने जिस शातिराना तरीके से श्रद्धा का कत्ल किया, उतनी ही सफाई से मर्डर के सबूत भी मिटाए। 14 दिनों की जेल जाने से पहले पुलिस ने आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट किया। इस दौरान वो जांच टीम को गुमराह करता रहा। सूत्रों का दावा है आफताब ने बताया
कि उसे क्राइम और थ्रिलर मूवी देखना बेहद पसंद है और मर्डर के बाद उसने दृश्यम फिल्म देखी थी। सूत्रों के मुताबिक आफताब ने पॉलीग्राफी टेस्ट में पूछे जाने वाले सवालों के जवाब पहले से तैयार कर रखे थे, इसलिए एफएसएल की टीम को इस टेस्ट के नतीजे उस तरह नहीं मिले जो उसके गुनाह को साबित करने में अहम कड़ी बने। बताया ये जा रहा है सूत्रों की माने तो आफताब ने दृश्यम मूवी देखी थी और जिस तरीके से उसने सबूत मिटाए श्रद्धा का कत्ल करने के बाद, जिस तरीके से उसने बॉडी के पार्ट्स को ठिकाने लगाया, उससे कहीं न कहीं शक है कि हो सकता है उसने दृश्यम मूवी की तरह ही इस पूरी साजिश को अंजाम दिया और इस तरीके से सबूत मिटाए ताकि जांच को कहीं न कहीं गुमराह किया जा सके। जाहिर तौर पर उससे यहाँ पर कई तरीके के सवाल पूछे गए थे जिसमें कई सवालों का जवाब उसने जो है बेहद आश्वस्त होकर दिया, जबकि कुछ सवालों में वो असहज महसूस कर रहा था। आफताब पूनावाला ने कुछ ही बताया लेकिन बहुत कुछ छिपाया। एक तरह से सच उगलवाने में जांच टीम को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। उसे पहले दिन बुखार हुआ, दूसरे दिन खांसी आनी शुरू हो गई जिससे रीडिंग ठीक नहीं मिली, फिर तीसरी बार उसे टेस्ट के दौरान बुखार आ गया। आखिरकार शुक्रवार को 2.5 घंटे तक उससे कई सवाल किए गए। उससे पूछा गया था कि क्या उसने दृश्यम देखी है, तो उसने ये जवाब दिया था कि हाँ देखी है। उससे जब ये पूछा गया कि क्या वो दृश्यम मूवी की तरह उसे देखकर खुद को बचा सकता है, तो उसने इसका जवाब नहीं दिया। लेकिन जिन सवालों का भी उसने जवाब दिया है, बताया ये जा रहा है कि वो बेहद आश्वस्त होकर उन सवालों का जवाब दे रहा था। आफताब पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान नई नई कहानियां गढ़ता रहा, कई पेचीदा सवालों पर गोल गोल घुमाने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस संतुष्ट नहीं है। पुलिस को अच्छी तरह मालूम है आफताब ने श्रद्धा और फैमिली और फ्रेंड्स की नजरों में उसे जिंदा दिखाने के लिए जिस तरह की चाल चली, उसी तरह पॉलीग्राफ टेस्ट में भी हथकंडे आजमा सकता है। हालांकि अब नार्को टेस्ट की तैयारी है जो सोमवार को किया जा सकता है। इस केस में देखिए, आफताब ने न केवल इंटरनेट का पहले जबरदस्त शोध किया ये ढूंढने के लिए कि किस तरीके से मर्डर करना है, लेकिन मर्डर करने के बाद वो लगातार इंटरनेट पर जाता रहा ये ढूंढने के लिए कि सुरागों को कैसे मिटाया जा सके और शक्ल को किस तरह से आप पूरी तरीके से बिगाड़ सकें ताकि पुलिस वाले चाहें भी तो उसको आइडेंटिफाई ना कर सकें। साथ ही साथ उसने आइडेंटिफाई किया रिसर्च के माध्यम से इंटरनेट पर कि शरीर के कौन से ऐसे हिस्से हैं जो सबसे पहले गलते हैं, ताकि उनको वो पहले आइडेंटिफाई उन्होंने किया और वो पहले उसने फेंके। और ये तमाम सारा इशू शो करता है कि फिजिकली मर्डर तो हुआ है लेकिन अल्टीमेटली ये तमाम सारी प्लानिंग हुई, जो आपको इनपुट्स मिले वो इंटरनेट के थ्रू मिले। श्रद्धा का कत्ल करने वाले आफताब पूनावाला से पुलिस ने 360 घंटे पूछताछ की। करीब 50 सवालों को 500 बार पूछा गया, घुमा फिरा कर पूछा गया, मगर आफताब अपने जुर्म की सजा से बच निकलने की साजिशें लगातार करता रहा। उसकी पूरी कोशिश यही है कि पुलिस को अपने बयानों के तिलिस्म में उलझा दे। इस दौरान उसने एक दूसरी लड़की का भी जिक्र किया जिस तक पुलिस पहुंच चुकी है। सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा के मर्डर के बाद फ्लैट पर जाने वाली लड़की पेशे से साइकोलॉजिस्ट है, जिससे आफताब एक डेटिंग ऐप के जरिए मिला था। ये लड़की जब आफताब के फ्लैट में गई तो श्रद्धा के शव के टुकड़े उसी फ्लैट में थे। पुलिस उस लड़की से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा कुछ और लड़कियों को तलाशा जा रहा है जो डेटिंग ऐप के जरिए आफताब के संपर्क में आई होंगी। दिल्ली से मोहित ओम और अनुज मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। खबरों का सिलसिला जारी है, छोटे से ब्रेक ले, रुकते हैं, कहीं मजा आएगा, देखते रहिए टाइम्स नाउ, नव भारत।